दोस्तों आज हम चल रहे हैं मकबरे में। मकबरे में आपको दिखाएंगे कि वहाँ का कैसा नज़ारा है। तो दोस्तों ये है मकबरे का मेन गेट जो आप देख रहे हैं और इसके अंदर अब हम लोग करेंगे एंट्री। ये बाहर रोड से मेन गेट है। अब इसके अंदर एंट्री करने के बाद देखते हैं, इसके बाद भी एक गेट है और वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा है। दोस्तों ये बहू बेगम का मकबरा है और ये आप देख सकते हैं इसका मेन गेट ये साइड दिख रहा है। देखिए ये मेन गेट है, इसके अंदर हम लोग को जाना है। अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या नज़ारे इसके अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में बहुत बड़ा सा गेट दिखाते हैं, वैसा गेट है और इतना बड़ा गेट है ये, इतना मोटा चौड़ा कि अभी कम से कम 100 साल तो ये दरवाज़ा मेरा अंदाज़ा है कि चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा और इतना बढ़िया गेट बना हुआ है। और अंदर आने के बाद यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद एक वो छोटा सा बैनर लगा हुआ है जिसके पास हम लेके चलेंगे आपको। देखिए ये बैनर है और बैनर पे ये पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, बहू बेगम का मकबरा। और ये 1815 ईस्वी में बनाया गया है मकबरा। तो दोस्तों ये है मकबरा जो आप देख रहे हैं, इसका पूरा नीचे से ऊपर तक का मैंने पूरा सूट लिया है और शायद आपको देखने में अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन इसकी कंडीशन जो है इस टाइम पे ऐसी हो गई कि अगर इसको मेंटेन किया जाए तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। सरकारी चीज़ें जो है वो लगभग जब अंडर में आ जाती हैं तो कुछ ऐसे ही कंडीशन होती है। ये अंदर का पोर्शन है जो कि अभी बहुत ख़राब हो चुका है, अगर इसकी बहुत अच्छे से मरम्मत की जाए तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। पहले के टाइम में पता कैसा था भैया, पहले होता था ना, लोग खाने के लिए नहीं होता था, लोग मेहनत करते थे और उन्हीं से काम करवा करवा के सब बनाते थे, लोग खाने पीने के तो इसी हिसाब से बन गया। आज के टाइम में अगर ऐसा बनाने जाएंगे तो नहीं दिख रहा है, नीला रंगा सब जो है बिल्कुल निकल चुका हुआ है। ये तो नहीं है, ये देखो है? ये तो भाई भूतिया जगह जैसा लग रहा है, हैं? हाँ ये तो बत्ती तो चालू है भाई, आओ आओ। ये यहाँ पे ताजिया भी रखी हुई है अंदर में, अंदर में ताजिया भी रखी हुई है। क्या ऐसा नहीं है तो ये है बहु बेगम की कब्र यहाँ पे है। आप देख नहीं पाएंगे लेकिन एक अंदाज़ा हल्का हल्का आपको दिखेगा। ये हम लोग ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरी कवर है यहाँ पे, और यहाँ पे इंसान को थोड़ा सा डर भी लगेगा अगर वो अकेला जा रहा। अब हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पे इतना बड़ा जानवर है, शुतुरमुर्ग बोलते हैं इसको, देख रहे हो? यहाँ पे इतना बड़ा ये जानवर है। बाहर का पोजीशन ऊपर से देखिए कुछ इस टाइप का है, बैकग्राउंड है ये।
पीछे का। ये जो है ना, ये भाई ये जो है ना रखवाली के लिए ताकि हाँ ताकि कोई जो है कोई मसला क्रिएट ना कर पाए भाई, तकलीफ ना होने पाए। जिस टाइम में भैया यहाँ पे वो लोग रहते रहे होंगे, उस टाइम पे यहाँ का माहौल कुछ अलग रहा होगा, एकदम बढ़िया रौनक रहती रही होगी उस टाइम पे। हाँ और क्या, कर्मचारी सब लगे रहे होंगे, पूरा हर टाइम काम होते रहा होगा, है कि नहीं। एयरपोर्ट के मुकाबले ये बहुत बढ़िया है, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट इतना खास जो है कहीं कहीं। हाँ ये पीछे का बैकग्राउंड है, ये पीछे का बैकग्राउंड है। यहाँ पे देखिए दो लोग देखो सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पे दो लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये पीछे का पूरा जंगल झाड़ी है, तो ये बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग कंट्री से भी, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने देखने। क्या था, मुगल के ज़माने का सब है, सल्तनत चलती थी भैया वो ज़माने में। हम लोग होते ना भैया, हम लोग भी कहीं घास छिलते या तो फिर जो है किसी राजा महाराजा क्या होते। हम्म, जाके गुलामी लामी करते हैं आज भी छोटे ही रहते भैया, समझ लेना। चलो चलते हैं अब, और वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। नीचे रेड कलर की बटन आपको दिख जाएगी, उसे दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नई नई ब्लॉग की वीडियो आपको जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।